आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ। नैब का साबिक सदर की वरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला। एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आइनी तौर पर इक्तदार ख़त्म होने के बावजूद एक शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ इक्तदार के लिए जंग जारी है। सियासतदानों ने 50 की दिहाई से लेकर आज तक गलतियां की। मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो मुश्किलात होती हैं। मुल्क के मौजूदा मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सियासत का नाम हमारे माहौल की तरह बहुत आलूदा हो चुका। मजहब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग इक्तदार की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बड़ी कीमत अदा की। ये हमारा मुल्क है, हमने ही इस मुल्क को बचाना है। शरी रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में मौसमी खतरात से बचाव के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत वाले घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेशनल प्लान बनाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फ़ौल इदारा बनाया जाए। खतरात से कैसे बचा जाए, आवाम को कैसे तैयार किया जाए, इंतज़ामिया की क्या तरबियत हो, ठोस काम करें। शहबाज शरीफ। PDM का अंजाम खतरनाक, अगले माह तक सबको नजर आ जाएगा। नून लीग मुल्क के मौशी हालात में खराबी के जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ झूठ बोलने के बजाय काम करते तो ये हालात ना होते। इमरान खान की हिमायत करने पर ये लोग पंजाब से बदला ले रहे हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मीडिया टॉक। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मौशी दिवालिया निकाल दिया। ये हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहियात नहली पर डील हो सके। नैब की अदालतें 4 और केस 3 रह गए। 10 रोज़ में फाइनल राउंड होगा। अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। शेख रशीद। डेंगी बेकाबू। सिंध में मजीद 214 केसेस रिपोर्ट। कराची में 24 घंटे के दौरान 197 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 433 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार। पंजाब में भी नए 313 केसेस रिकॉर्ड।